कि पिछले वर्ष मैंने ये विषय उठाया और इसकी जो है पूरे देश में ये मामला हाईलाइट हुआ था, जब हमारे वहाँ कोई जो हमारे भीड़ पालक है उन्होंने ये सूचना दी कि जो हमारा साथ लगता बॉर्डर है वहाँ पर जो है चीन जो है सड़कें बना रहा है। हमने ये मामला उठाया था, हम राज्यपाल महोदय से भी मिले थे, हमने देश के रक्षा मंत्री को भी पत्र लिखा, मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा और उस वक्त कोई ज़्यादा प्रतिक्रिया आई नहीं। पुलिस का ये बयान आया कि कोई ऐसी स्थिति है नहीं। सरकार ने उस वक्त जानकारी को छुपाने का प्रयास किया। एक वर्ष का समय हो गया, तब से लेके सतलुज में बहुत ज़्यादा पानी बह चुका है और अचानक मुख्यमंत्री जी का एकदम सीमा क्षेत्र पर जाना जो है कोई ना कोई एक संशय उत्पन्न कर रहा है। और मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि क्या कारण थे, वो जो है गए तो अच्छा काम किया, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन क्या स्थिति बॉर्डर पे है उसकी मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश की जनता को जानकारी जो है देनी चाहिए, जो जानकारी वो नहीं दे रहे हैं। हमारी ये भी सूचना है कि जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर जो चीन ने जो है पक्की बस्तियाँ बनाई हैं, पक्के मकान बनाए और अपने लोगों को ला के वहाँ बसा रहे हैं, तो हम ये मांग करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि मुख्यमंत्री जी स्थिति स्पष्ट करें कि क्या इस वक्त बॉर्डर पे स्थिति है, क्योंकि देश की जनता को जाने का हक है कि इस वक्त सीमावर्ती क्षेत्र में जो है क्या हालात हैं। हमारे जो वहाँ के नागरिक हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो इसलिए मुख्यमंत्री जी को तत्काल जो है अपनी जो स्थिति है वो प्रदेश की जनता के सामने स्पष्ट करनी चाहिए।